अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वो वाहदहु ला शरीक है, इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है ना कोई कायनात का परवरदिगार। वो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना नबी और रसूल होने का शर्फ अता किया। और रहमतें और बरकतें हों अल्लाह के तमाम नेक बंदों और बंदियों पर। मेरा आज का मौजू है कि जिन जूतों में गंदगी लगी हो क्या इन जूतों में नमाज़ पढ़ सकते हैं। सैयदिना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो वो देख ले अगर जूतों में गंदगी लगी हो तो ज़मीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज़ पढ़ ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।